आप सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगन्नाथ मिश्रा और हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आज मैं इंटरव्यू करने के लिए यहां पे बैठा हूं और आप सभी देख रहे हैं हमारे ऊपर, जैसा कि राम नामी गमछा आप सभी को दिख रहा है, ये सबसे पहले तो मैं महाराज जी के पास में आया हूँ और महाराज जी से मुझे ये आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त हुआ है। दोस्तों, आज आप महाराज जी को सामने देख रहे हैं, जो कि आप बहुत बड़े ज्योतिषी भी हैं, आप कथावाचक भी हैं और समाज की निरंतर सेवा आप बड़ी मेहनत के साथ करते हैं। आप पूरे समाज को, हर किसी को आप अपना एक परिवार समझ के आप उसकी मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। ऐसे हमारे साथ में श्री रामानंद जी महाराज आज आप सभी के सामने अपना आशीर्वाद देने के लिए जुड़ रहे हैं। हमारे चैनल पे महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम आप सभी लोगों को और आपके चैनल से जो भी भाई बहन जुड़े हुए हैं उनको भी बहुत बहुत नमस्कार। जय श्री राम। श्री धाम अयोध्या से मैं श्री रामानंद जी महाराज आप लोगों से जुड़ रहा हूँ। महाराज जी, हम यह जानना चाहेंगे आपसे कि आप सामाजिक सेवा कर रहे हैं, आप कथा भी करते हैं और आप बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, थोड़ा सा हम परिचय जानना चाहेंगे, कैसे ये सब आपने इतना भंडार कैसे इकट्ठा किया? देखिए मिश्रा जी, जब मैं बहुत छोटा था, 5 वर्ष का जी, तो मैं अपने ननिहाल में रहता था। मेरा ननिहाल ही दर्शन नगर के अलावलपुर ग्राम सभा में है। तो मैं बचपन में गायत्री मंत्र, भगवान का नाम, भजन इत्यादि खूब करता था छोटी सी उम्र में। तो मेरे नाना जी को और पिताजी को ऐसा लगा कि मुझे जो है धार्मिक शिक्षा दिलानी चाहिए। तो मैं बहुत छोटा सा था जब 8 वर्ष का, तो 1995 में मुझे गुरुकुल अयोध्या में जो है प्रवेश दिया गया और उसके पश्चात जो है आगे फिर यहाँ पे अध्ययन हुआ बचपन में, व्याकरण वगैरह, वेद वेदांग, और इस प्रकार अयोध्या से मैं वाराणसी गया जी। वाराणसी में शिक्षा प्राप्त हुई, वेदों का अध्ययन किया, उसके पश्चात वृंदावन में रहे, दिल्ली में शिक्षा ग्रहण की। तो फिर ये 20-22 वर्षों तक शिक्षा ग्रहण चलता रहा। इसी बीच श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा और ज्योतिष का भी हमने कार्य करना शुरू किया, कुछ सामाजिक सेवाएं भी चलती रही। महाराज जी, जैसा कि मुझे जो जानकारी हो रही है, आपके बहुत सारे शिष्य जो आज के टाइम में कोई सांसद है, कोई विधायक है, कोई मंत्री है, और आप उनके लिए अगर कोई भविष्यवाणी करते हैं कि आप इस पार्टी से चुनाव लड़िए और आप इस समय में चुनाव लड़िए, आप नामांकन के समय में कीजिए, बहुत सारे आप जो उनको अपना आशीर्वाद स्वरूप भविष्यवाणी करते हैं उनके लिए कि आप चुनाव जीत जाएंगे, आप सांसद विधायक बन जाएंगे अगर ऐसा करेंगे, ये कैसे आप इतना मतलब अच्छा सटीक भविष्यवाणी करते हैं? पहली चीज तो यह है कि ये ईश्वरीय कृपा है कुछ, क्योंकि मेरी खुद की कुंडली में, ज्योतिष की भाषा में कहा जाता है कि लग्न में गुरु अगर बैठा हो जी का, तो ज्योतिषीय ज्ञान जन्मजात होता है। तो मैं बहुत कम एज से किसी के बारे में जो आभास करता था या अंदाजा लगा के जो बोलता था तो अक्षरशा हुआ हो जाता था। तो जब मैं 17 साल का था तो उस समय हमने ज्योतिष की शिक्षा ग्रहण करने की सोची और फिर धीरे धीरे जब इसका ज्योतिष का अध्ययन बढ़ता गया तो मैं लोगों से मिलता था, लोग कोई हस्तरेखा दिखा रहा है, कोई कुंडली दिखा रहा है, तो उसके अनुसार भविष्यवाणी भी करते थे। तो अधिकतर भविष्यवाणी सत्य हुई और फिर अब अक्सर तो राजनीति के लोग आते हैं, तो जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं तो उनको मैं ये बताता हूँ कि आप किस पार्टी से लड़ेंगे, कैसा चुनाव चिन्ह होना चाहिए और किस समय आपके कुंडली में योग है मंत्री विधायक बनने। महाराज जी, आप कथा भी करते हैं जी, कथा के माध्यम से, जैसा कि आप एक तरफ से इतना, जैसे कोई मोटिवेशनल स्पीकर होता है वो उस वीडियो के माध्यम से बिजनेस कैसे करें, पढ़ाई कैसे करें, या अगर हम डिप्रेशन में चल रहे हैं अपने आप को
कैसे अच्छा फील कराए, मतलब हर प्रकार की जानकारी हमको मिलती है, लेकिन आप कथा के माध्यम से इतने अच्छे श्री राम गंगा रूपी ये जो इतना अच्छा प्रवाह करते हैं, इसके बारे में जो आप इतनी अच्छी समाज सेवा कह सकते हैं इसको चल रही है, इसके बारे में थोड़ा आप विस्तार से हमको बताएं। देखिए मिश्रा जी, 2010 में मैंने पहली कथा की थी जी, और उसके पहले तो 1997 में ही जब मैं अयोध्या आया तो बहुत छोटा था, तो हमारे यहाँ एक संत हैं थे जो है इस समय नहीं रहे वो महाराज जी, आदरणीय श्री नारायण दास जी महाराज, तो पहले वो बड़ी बड़ी यज्ञ कराते थे तो उसमें मैं कथा करने जाता था, कुछ यज्ञों में मैंने उनकी कथाएं करी हैं। उसके बाद अध्ययन भी चलता रहा और कथाएं भी चलती रहीं। मूल रूप से 2009-10 में जी। मैं बड़े मंचों पे कथा करना शुरू किया और एक दो बार श्रद्धा चैनल हुआ, संस्कार पे, साधना पे कथाएं भी आई, और लेकिन हमने प्रोफेशन इसको नहीं बनाया। कथा एक माध्यम है समाज को सही दिशा देने का जी। और ब्राह्मण होने के नाते मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी भी रहती है कि ब्राह्मण का स्वभाव है कि वो जो है समाज को देना जानता है, लेना जानता नहीं जी। क्योंकि आज भी ब्राह्मणों के घर आपको छप्पड़ के मिल जाएंगे, मिट्टी का घर मिलेगा, ईंटे का घर मिलेगा, बहुत साधारण जीवन शैली जीते हुए ब्राह्मण आपको मिलेंगे, क्योंकि मूल स्वभाव है समाज को देना। तो इस वजह से हमने कभी कथा को, ज्योतिष को, धर्म को दोहन का विषय नहीं बनाया जी। इससे दोहन किया जाए, और परमात्मा की कृपा रही कि मेरी जीवन नैया चलती रही और कथा से बहुत सारे समाज में सुधार हुए, खासकर जो नौयुवक हैं वो मुझसे बहुत ज्यादा कथा के माध्यम से जुड़े। मुझे याद है मैं नेपाल में गया हूँ कथा करने के लिए, श्रीलंका भी गया, तो जहां जहां हिंदी समझने वाले लोग हैं जाता हूं मैं, तो बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं कथा से, श्री राम के चरित्र से, श्री कृष्ण के चरित्र से, है ना, माँ जानकी के चरित्र से, तो प्रभावित होकर हजारों संख्या में लोगों ने मदिरा छोड़ी है, नशा छोड़ी है, जो बच्चे पढ़ लिख नहीं रहे हैं, माता पिता का सम्मान नहीं कर रहे हैं, वो सही रास्ते पे आते हैं, और कई जगह तो 2500 साल 2400 साल पुरानी दुश्मनी समाप्त हो गई कथा में, कि जहां कथा चल रही है वहां उनकी जो है दुश्मनी हो रखी है जी। तो कथा के माध्यम से कथा का ऐसा प्रभाव है, श्री राम कथा का, श्रीमद् भागवत कथा का, कि उस प्रभाव से लोगों की आपसी जो मतभेद हैं वह भी समाप्त हो जाते हैं। लेकिन महाराज जी, आप समाज सुधार की बात कर रहे हैं, निरंतर आपकी कोशिश चल रही है, लेकिन जैसा कि काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ये सब नरक के रास्ते हैं जी। लेकिन आप कथा भी कर रहे हैं निरंतर, आपसे युवा भी जुड़ रहे हैं, लेकिन ऐसी कहां कमी छूट जा रही है, जैसा कि आज के युवा सबसे ज्यादा नशे की लत से उसमें लिप्त रहते हैं, बहुत सारे लोग काम वासना में लिप्त हैं, मतलब एकदम भ्रष्टाचार के रास्ते पर उतर आ रहे हैं, तो जैसा कि अभी ड्रग कनेक्शन का इतना बड़ा खुलासा, पूरा बॉलीवुड गैंग उसमें फंसता जा रहा है धीरे धीरे, तो ये कहां ऐसी कमी छूट रही है कि ये लोग इस दायरे में नहीं आ रहे हैं। आपका प्रश्न श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने मिश्रा जी। इसका मूल कारण है कि इतने धर्म हो रहे हैं, कथाएं हो रही हैं, समाज सुधार की बातें होती हैं, बहुत सारे समाज सुधारक हैं जी, फिर भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है आम जनमानस पर, खासकर युवाओं पर जी। तो उसका मुख्य कारण है कि हम जो सोचते हैं वही हम बनते हैं, सोचते हम वो है जो हम देखते हैं, तो जो हम देखेंगे वही हम सोचेंगे, जो हम सोचेंगे वही हम बनेंगे जी। तो आज का जो युवा है, आज का जो भी युवा भाई बहन है हमारा, वो उसका नायक ही बॉलीवुड है जी। और बॉलीवुड जो हमारा है भारत का, वो प्रभावित है पश्चात हॉलीवुड से जी। तो ये जो नशा आया है वो हमारे भारत की देन नहीं है, ये हॉलीवुड की देन बॉलीवुड को है और बॉलीवुड की देन भारत को है जी। भारत में आई है बॉलीवुड से, लेकिन बॉलीवुड में भी आया है हॉलीवुड से जी। तो और इसके पीछे बहुत बड़ा नेक्सस है जी। जो कारोबारी लोग हैं वो अपना अच्छे से इसको करके चलाते हैं, लेकिन हमारे जैसे नायक होंगे, हम जिनको पसंद करेंगे, जिनको देखेंगे, जिनके बारे में सोचेंगे, जिनको सुनेंगे, जिनका सिनेमा हम देख रहे हैं, उनसे हम प्रभावित होते हैं।
अगर हम रामायण सुनेंगे, रामायण देखेंगे, रामायण बोलेंगे तो हमारा चरित्र राम जैसा होगा। लेकिन हमारे देश में राम की और रामायण की क्या स्थिति रही है आज तक, ये आप अच्छे से जानते हैं महाराज जी। जैसा कि मेरा ये मानना है कि आप बोल रहे हैं कि हॉलीवुड में, हॉलीवुड ने बॉलीवुड को दिया और बॉलीवुड ने पूरे देश में ये इतना बड़ा रोक दे रहे हैं, लेकिन ये आपके लिए इसको रोकना क्योंकि एक ब्राह्मण का कर्तव्य है, वो समाज की निरंतर सेवा करता है, अच्छी शिक्षा देता है समाज को, आपके लिए इसको रोकना बहुत बड़ा चैलेंज है। नहीं, चैलेंज है, इसी वजह से तो ब्राह्मण ही देश को सुधार सकता है जी, संत ही देश को सुधार सकते हैं, इसीलिए तो पहला टारगेट ही ब्राह्मण बनता जा रहा है जी। पश्चात्य लोगों का, वामपंथी लोगों का, पुर्तगालियों का, विदेशियों का, बहुत सारे एनजीओ ऐसे हैं जो लगे हैं ब्राह्मण को पहले समाप्त करो जी। ब्राह्मण को पहले समाप्त करो, क्योंकि ब्राह्मण ही ऐसा वर्ग है भारत में जो निशुल्क समाज में जाके यह कहता है कि सदमार्ग पे चलो, अच्छे बनो, सही रास्ता चुनो, डॉक्टर इंजीनियर बनो, गुरु बनो, गलत रास्ते में मत जाओ। यह बात हमें कौन सिखलाता है? ब्राह्मण जी। जो बात ब्राह्मण थोड़े से खर्चे में बता देता है, वही बात को सिद्ध करने के लिए जी, कि सूर्य ग्रहण कब होगा, यह बात नासा को बताने के लिए अरबों रुपए लग जाते हैं जी। वही बात हमारे ब्राह्मण देवता, हमारा संत समाज पंचांग उठाया, देख के बता दिया, सालों पहले, 100 साल पहले बता दिया है कि 100 साल बाद सूर्य ग्रहण कब आएगा। कितनी उच्च कोटि की मानसिकता रही होगी, कितना बड़ा चिंतन रहा होगा हमारे ब्राह्मण समाज का। लेकिन आज के टाइम में महाराज जी ब्राह्मणों की बहुत बड़ी उपेक्षा की जा रही है। जैसे सरकार है, माननीय योगी जी की सरकार है, प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा जातिवाद का आरोप लग रहा है कि एक वर्ग विशेष की वहां पे सरकार चल रही है और ब्राह्मण अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है, टारगेटेड महसूस कर रहा है। देखिए, ये आपका राजनीतिक क्वेश्चन है और मैं इस पे इतना ही कहूंगा सभी भाई बहनों को और सभी लोगों को जो भी किसी भी वर्ग से, समाज से, मजहब से आते हों। जैसा महाराज जी ने आपने अभी पहले ही स्पष्ट कर दिया कि हमारा बहुत बड़ा चैलेंज है, इसलिए सबसे पहले ब्राह्मण को टारगेट किया जा रहा, कहीं आप बिल्कुल बिल्कुल सत्य सत्य कह रहे हैं आप। ब्राह्मण को टारगेट ही इसीलिए किया जा रहा है, आज से नहीं सैकड़ों वर्षों से टारगेट किया जा रहा है। आपको पता होगा 664 वर्ष हमारा देश गुलाम रहा जी, 664 वर्ष हमारा देश गुलाम रहा जी, पुर्तगालियों का, विदेशियों का, मुगलों का, अंग्रेजों का, बहुत सारे लोग आए और यहाँ पे राज किया और भारत को लूट के ले गए। लेकिन फिर भी हम चंदन लगाते हैं, हम सिखा रखते हैं, हम कथा करते हैं, कथा सुनते हैं, धर्म इत्यादि करते हैं, खोडसों संस्कार करते हैं, शादी विवाह में हम सारे अष्टमी अपनी निभाते हैं। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारे लोकाचार, आपसी हमारे प्रेम संबंध जो सदियों पुराने से चले आ रहे थे भारत के, वो आज भी जीवित हैं। कैसे जीवित हैं? सिकंदर जब भारत पे पहली बार आक्रमण किया जी, तो अंभिराज सिकंदर से मिल गया कि पोरस को मारो, पोरस का राज हड़प लेते हैं दोनों लोग मिलकर के। लेकिन अंभिराज के ही राज में तक्षशिला के एक आचार्य चाणक्य जी, उन्होंने इसका विरोध किया और जब अंभिराज नहीं माने तो चाणक्य अकेले आए पूर्वराज के समर्थन से, सिकंदर को खदेड़ फेंका। महाराज जी, ये जो आप बता रहे हैं, ये आज के नेताओं को क्यों नहीं समझ में आ रही है? देखिए, नेताओं की अपनी भाषा है, उनको क्या समझना है क्या नहीं समझना है वो अपने तरीके से समझते हैं, उनकी एक अलग कोट की राजनीति है। लेकिन हम लोगों का उद्देश्य है, जो ब्राह्मण है, संत समाज, साधु समाज है, कथा वाचन के समाज से जो जुड़े हुए लोग हैं जी, वो समाज को नई दिशा दे, अच्छी दिशा दे, दिशा और दशा दोनों बदले समाज की, ये सोच होनी चाहिए। नेता क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उस पे हम लोगों को नहीं जाना चाहिए जी, क्योंकि वो हम चाहेंगे तो वो वैसा कर नहीं सकते, वो उनकी अपनी सोच है। लेकिन अगर उनकी सोच के साथ हम भी मिल गए तो फिर हमें उनमें फर्क नहीं रह जाएगा जी। तो हम लोगों का कार्यक्रम राजनीति से परे रखें हम लोग तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं इस विषय पे बोल रहा था कि जब सिकंदर यहां से वापस गया तो लोगों ने पूछा, भाई आप भारत को जीत नहीं पाए, वापस क्यों लौट आए, इतनी बड़ी सेना लेके आप गए थे?
हथियारों से लैस पराक्रमी योद्धा आपके पास, भारत को जीत क्यों नहीं पाए? तो उन्होंने कहा, भारत की योद्धाओं को हमने हरा दिया, राजाओं को मिला लिया, सेनाओं को परास्त कर दिया, भारत के ब्राह्मण से हम हार गए, भारत के गुरु से हम हार गए, भारत के एक शिक्षक से हम हार गए, अकेला एक शिक्षक चाणक्य हमें वहां से खदेड़ा। तो एक वहां पे व्यवस्था बनाई गई, एक रणनीति बनाई गई कि अगर भारत को गुलाम बनाना है, भारत का शोषण करना है, तो ब्राह्मण को समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ब्राह्मण है भारतवर्ष में, ब्राह्मण कभी भी भारत पे किसी को हावी होने नहीं देगा। और फिर विदेशियों ने एक रणनीति के तहत हमेशा ब्राह्मण समाज का विरोध किया, सवर्ण और दलित में बांटा है ना, और ब्राह्मण और क्षत्रिय में बांटा ही जा रहा है लोगों को। तो मेरा सभी से, सभी भाई बहनों से ही निवेदन है कि आप लोग बटे मत, सभी लोग जुड़कर रहें, और आप एक सूत्रता में रहेंगे, एक माला में रहेंगे। जैसा कि महाराज जी, मुझे जानकारी हो रही है कि ये जातीय समीकरण को जो आजकल ये इतना जातिगत में लोग बटे हुए हैं कि कोई हिंदू है, कोई क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, आपस में तकरार होता रहता है, इसको खत्म करने के लिए, आप सभी को एकजुट करने के लिए, जैसा कि आपने गुरुकुल का भी निर्माण किया है। नहीं, हम सोच रहे हैं इसके बारे में जी। अभी हमने श्री अयोध्या धाम में 10 बीघा जमीन हमने ली है गुरुकुल के निर्माण के लिए जी, जिसका मुख्य उद्देश्य है जो है कि एक ऐसे गुरुकुल का निर्माण किया जाए, जैसे लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ जाति लड़ाई है, हमारे यहाँ जाति लड़ाई है ही नहीं है, ये जाति लड़ाई वोट और नेता की देन है जी। क्योंकि अगर जाति लड़ाई होती, राम और निषाद राज एक ही विद्यालय में कैसे पढ़ते जी, एक ही आसन पे कैसे सोते, एक ही साथ जंगल में लकड़ियां काटने कैसे जाते, अगर जाति हमारे यहाँ लड़ाई होती तो कृष्ण और सुदामा कैसे एक साथ पढ़ते, कृष्ण राजा है, सुदामा दरिद्र ब्राह्मण है, कैसे एक साथ पढ़ते, निषाद राज और राम एक साथ कैसे पढ़ते। हमारे यहाँ जाति लड़ाई थी ही नहीं, ये सच्चाई ये है, विदेशियों और वामपंथियों की देन है, ये राजनीति की देन है, ये वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोगों की देन है, हमारे यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, हमारे यहाँ समाज जुड़ा हुआ है। आप एक साधारण सा एक कार्यक्रम घर में करते हैं विवाह का, तो जब पंडित जी आते हैं तो नाव देवता भी आते हैं, कहार भी आते हैं, महार भी आते हैं कि नहीं आते हैं, सारे लोग आते हैं और सबका एक है, भैया इनको मिलेगा, इनको मिलेगा, सबका भाग निश्चित है ना, उसमें पढ़ाई भी हमारे आते हैं, सारे लोग आते हैं, बच्चा घर में जन्म लेता है तो सबसे पहले किसे बुलाया जाता है, कहार को बुलाया जाएगा। तो हमारे यहाँ तो आज भी नालक छेदन कौन करता है, हमारे यहाँ क्या पंडित जी कर लेते हैं अपने घर में, क्या क्षत्रिय अपने घर में नालक छेदन कर लेता है, हर व्यक्ति समाज से जुड़ा हुआ है और कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, काम सब एक है और हम सब एक है। जाति में अगर हमें कोई बांट रहा है तो वो है हमारी शिक्षा पद्धति, हमारी शिक्षा पद्धति। आप मुझसे मिलने आए, मैंने आपकी जात पूछी, लेकिन आप अभी विद्यालय चले जाओ तो आपकी जाति पूछी जाएगी, आप किस कास्ट से आते हो, नौकरी करने जाओ आपकी जाति पूछी जाएगी, तो वो गलत है। हमारे समाज में किसी ने किसी का कोई शोषण नहीं किया है, सब एक थे, एक हैं और हम एक रहेंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चार वर्ग जो हैं, चतुर्वर्ण मया सृष्ट गुण कर्म विभाग सा श्री कृष्ण ने कहा है, गुण और कर्म के अनुसार लोगों का काम बांट दिया गया है। कोई बढ़ई है, वो फर्नीचर का व्यवसाय कर रहा है तो क्या वो छोटा व्यवसाय कर रहा है, कोई ब्राह्मण देवता है शिक्षण का कार्य कर रहे हैं तो क्या कोई छोटा कार्य कर रहे हैं या कोई बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। हर व्यक्ति को समाज में एक ना एक काम करना पड़ता है, हर वह व्यक्ति अपना अपना काम कर रहा है। जैसा कि महाराज जी, श्री राम रामानंद सेवा संस्थान के द्वारा भी कुछ सामाजिक कार्य चल रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आप विस्तार के बताएं दर्शकों को हमारे। देखिए, मैंने एक संस्था की स्थापना की थी 2013 में, श्री रामानंद सेवा संस्थान, और उसके तहत हम लोग कई कथाएं किए और छोटा मोटा कार्य उसमें सेवा का करते रहते हैं, बहुत सारा हम लोग प्रचार प्रसार इस पे करते भी नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। इसका थोड़ा सा देखिए, संस्थान का मूल उद्देश्य है कि सभी जाति के लोग एक साथ आ सकें। विद्यालय न पूछे भैया कि आपके सर्टिफिकेट में जनरल से है, आपकी एससी से है, एसटी से है, एक उद्देश्य रहे गुरुकुल का कि इसमें कोई भी जाति का व्यक्ति हो वो गरीब होना चाहिए और प्रतिभावान होना चाहिए, वो वहां आके पढ़े और आगे बढ़े जी, समाज को नई दिशा दे, ये हमारी समझ है।
श्री राम मठ के निर्माण करने की भी आपकी प्रक्रिया चल रही है? जी हाँ, उसके लिए हमने जमीन ले रखी है जी, और राम जी की कृपा होगी तो अभी तो राम मंदिर बन रहा है जी, तो हम लोग उसका प्रयास है कि एक ऐसा मठ यहाँ हो श्री राम, हम लोगों का जो है कि बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं, संस्था से जुड़े हुए हैं, तो क्या नाम है वो आए यहाँ तो उनको रहने की, और क्या नाम है कुछ दिन यहाँ रहना चाहे रह सकते हैं, है ना, और श्री राम के दर्शन का लाभ भजन का लाभ उठा सकते हैं, ऐसी कोशिश है हम लोगों जी। महाराज जी, इतने दिन से आप समाज की सेवा कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, आप इतना एक्टिव हैं, सबसे पहले तो आप इतने युवा हैं और इतना ज्यादा एक्टिव रहते हैं, कभी आपको ये नहीं लगा कि लोग ये सोचेंगे कि महाराज जी भी राजनीति में आना चाह रहे हैं? नहीं, राजनीति से तो मेरा या आपको कोई इच्छा हो अगर खुद की? राजनीति मेरी इच्छा कोई हो ही नहीं सकती। जब मैं बहुत छोटा था मिश्रा जी, तो मुझे समझ में आ गया था कि रहना नहीं देश बेगाना है, यहाँ रहना है नहीं बहुत दिन तक, एक दिन मर के चले जाना है जी। लेकिन जीविकोपार्जन के लिए कुछ करना जरूरी है जी। और मानवता नहीं मिला है, मानवतन मिला है तो कुछ बेहतर करके जाना है, मेरा ये मानना है। मुझे परमात्मा ने जन्म दिया है, ब्राह्मण कुल में जन्म दिया, सीधा अयोध्या में मेरा जन्म हुआ है, नाम मेरा राम जी, राम कथा मुझसे करवा रहे हैं, तो कोई मेरे जन्म का विशेष उद्देश्य है वो मैं करना चाहता हूँ। और राजनीति से नाम लेना देना तब था मेरा, ना अब है ना आगे रहेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि राजनीति अगर धर्मनीति के शरण में रहे तो ज्यादा अच्छा। महाराज जी, आपको बहुत सारी युवा सुन रहे हैं जी, उनके लिए थोड़ा सा आप अपना आशीर्वचन दीजिए। सभी युवा भाई बहनों से मेरा यही निवेदन है और मेरा आशीर्वाद भी आप लोगों को कि जीवन में एक मंत्र का जाप अवश्य करना, राम कृष्ण का नाम ना ले सकें कोई बात नहीं, लेकिन मुझे कुछ करना है और वो बेहतर करना है, इस मंत्र का जाप आप अवश्य करिए। मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, और जब आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो आप कुछ बेहतर ही करेंगे समाज के लिए जी। और समाज की दिशा और दशा युवाओं ने ही बदली है, चाहे वो स्वामी विवेकानंद जी से कोई प्रभावित हो, या सुभाष चंद्र बोस से कोई प्रभावित हो, या शहीद भगत सिंह जी से कोई प्रभावित हो, तो कोई ना कोई युवा युवाओं से प्रभावित होकर के वो सामाजिक जीवन में आगे बढ़ता है। दोस्तों, जैसा कि अभी तक आप सभी श्री रामानंद जी महाराज जी को सुन रहे थे, इतना अच्छा आप सभी को आशीर्वाद स्वरूप इतना अच्छा सब कुछ आपको सुनने को मिला, जो भी मैंने क्वेश्चन के माध्यम से पूछा वो आपको सब आंसर मिला, इतना अच्छा आपको सुझाव मिला, और समाज में जो भी बुराइयां फैली हुई हैं, जो भी जात की बातें, इतना विरोधाभासी सब कुछ रहता है कि हम अलग कास्ट के हैं, आप अलग कास्ट के हैं, आप हमारे बगल नहीं बैठ सकते, उन सभी को खत्म, मतलब सब कुछ सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए जो भी महाराज जी का इतना अच्छा प्रयास चल रहा है, मुझे लगता है कि आप सभी को इसमें खुल के सहयोग करना चाहिए महाराज जी को। और जो भी आपको उकसाने वाले कहीं से ऐसे विचार मिल रहे हैं, ऐसे गलत बयानबाजी हो रही है, ऐसे गलत तरीके से आपको कहीं आपका यूज किया जा रहा है, उन सभी से आपको बच के रहना चाहिए और धार्मिक कार्यों में आपको बढ़ चढ़ के योगदान अपना देना चाहिए। महाराज जी, आप हमारे साथ जुड़े और इतना अच्छा आपने युवाओं को मोटिवेट किया, इतना अच्छा समाज के बारे में आपने सब कुछ बोला कि मैं सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए इतना अच्छा प्रयास कर रहे हैं, इन सभी को मिलाकर मैं पूरे क्षेत्रवासियों की तरफ से, जो भी दर्शक सुन रहे हैं उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय श्री राम।